किधर जा रहे हो? हैं किधर जा रहे हो? ये देखने आए थे? अच्छा देख लो, चेक करो फिर। हैं ये जिधर जिधर फेंकना है, ये भाई जो नीचे खड़ा है ना, इसने इसने उधर उधर इसे करी जाना है, तो ये जो है ना ऐसे बनता जाना है सारा कुछ। हेलो, तो वी आर बैक एंड वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर ब्लॉग के अंदर। तो हाँ जी, फिर यार क्या हाल चाल है आप लोगों, आप सब लोगों के, सब दोस्तों के, सब भाइयों के? आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सारे A1 होंगे, ठीक ठाक होंगे, अल्लाह सबको ठीक ही रखे। तो फाइनली मैं दिल्ली आ गया था, और देखो यार पिछले व्लॉग में मैंने बोला था कटिंग शटिंग नहीं हुई है, तो फाइनली भाई ने कटिंग भी करवा दी है। पौधों की देखो आप, प्यारे लग रहे हैं। अब सारा माहौल जो है ना प्यारा लग रहा है, ये देखो। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, जैसे कि मेरी पहले सिंपल ही रूटीन होते हुआ करती थी, सॉरी, कि दोनों भाइयों को स्कूल छोड़ना है, एहसन एंड अब्दुल्ला, दोनों भाई हैं मेरे, एहसन और अब्दुल्ला, दोनों मेरे से छोटे हैं लेकिन हाइट में बड़े हैं वो। खैर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो पहले मैं आता था हवेली, लेकिन मैंने ना पहले आता था, हम डेली आता हूँ हवेली, लेकिन मैं इंट्रो नहीं किया था ना इन पिछले सारे व्लॉगों में, आपने देखा मैंने कोई इंट्रो हवेली में आके नहीं था किया। वो इसलिए नहीं था कि यार कि आप कह रहे होंगे कि यार डेली हवेली आ जाता है, और जैसे कि पिछले व्लॉग मैंने कहा था कि अपनी मनहूसी शक्ल लेके आ जाता है हवेली में डेली। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ, ये हो रहा है, मतलब गोया गोया है, वो गोबर गोबर दिखा रहा है भाई मुझे। और भी बड़ों ने कहा यार, मतलब व्यूवर्स ने तो नहीं कहा कमेंट करके, बाहर के बंदे भी जो मतलब मेरे आसपास हैं, मतलब जो हॉस्पिटल का अमला है, जो मतलब मुझे देखते हैं, जो मेरे आसपास घूमते हैं, वो तो मुझे बोलते हैं ना कि यार ये तुम क्या दिखाते हैं। मैंने कहा यार तुम तो टांग अड़ाते रहते हो, हर कोई मतलब बंदा है जो है ना ऐसा, जो भी मेरा दोस्त है वो तो टांग अड़ाता ही रहता है कि यार ये तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये तुम्हें सूट नहीं करता। यार क्या मुझे सूट नहीं करता है, व्लॉगिंग सारे करते हैं, इसमें क्या है, मतलब कि कोई ना कोई टांग अड़ाता ज़रूर है, कोई ना कोई, अगर आप कोई काम स्टार्ट कर लो ना, तो कोई ऐसे शोरे होते हैं कि जो ना आपको काम करने नहीं देंगे। तो आप जो है ना उनकी बातों में ना आया करें, काम अपना स्टार्ट जारी रखें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बन ही जाता है, एक ना एक दिन आके बंदा ग्रो कर ही जाता है, वो जैसे भी करके। मेहनत होती है हर काम के पीछे, मेहनत होती है। पिछले व्लॉग जितने भी कोई मेरे साथ आए हैं आप लोगों ने देख ही लिया है, एक एडिटिंग खत्म नहीं होती, अपलोड नहीं होती वीडियो, और मैं दूसरे व्लॉगिंग व्लॉग के लिए, वीडियो के लिए मैं कैमरा उठा लेता हूँ, जैसे कि आपने देखा ही है, और मैं दिन रात लगा रहता हूँ, और मुझे कोई काम ही नहीं है आप लोगों के सिवा, आपसे बातें करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस यही। और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है कि जिससे मैं बातें करूँ, बस यही है। हालांकि बड़े दोस्त होते हैं लोगों के यार, इंतहाई, वो कहते हैं ना कि दोस्त एक भी बनाना चाहिए, तो मेरा तो एक भी नहीं है यार, बस यही समझ लें आप, तो मेरे तो दोस्त आप ही हो, इसीलिए आपसे ही बातें करता रहता हूँ। चलो मिलते हैं यार इंशाल्लाह। अभी ना मैंने सोचा कि चलो यार कुछ बातें कर ले, सुबह सुबह का टाइम है, मौसम भी अच्छा है, तो ना कुछ बातें कर लें आपसे, तो इस वजह से मैं ना शुरू हो गया था। तो खैर अभी जो है ना घर जाना है, टाइम हो गया, तो ना उधर जाके कुछ करते हैं, या हॉस्पिटल जा कुछ उगली इंशाल्लाह लगाते हैं, क्योंकि दो छुट्टियों के बाद फाइनली आज जाहिद और साहिल सारा अमला छुट्टी पे नहीं होगा फाइनली। चलो ये तो यार मेरे लिए अच्छी बात है ना, कोई शुगल मेला लग लुक जाता है। चलो फिर आ जाओ यार इंशाल्लाह, मिलते हैं हॉस्पिटल जाके। Many hours later. हाँ जी, फिर आ गया था मैं फाइनली हॉस्पिटल, उधर से सीधा हॉस्पिटल, तो आज हम मिलने जा रहे हैं फिर से दोबारा से जाहिद भाई को। अस्सलाम वालेकुम पाजी, क्या हाल है, ठीक हो? तो फाइनली जाहिद भाई देखो चिट्टे गोरे हो गए हैं। थैंक्स, लव यू। ब्याह अटेंड कर करके ना शादियां, तो चिट्टे गोरे हो गए हैं, चेक करो। और भाई को कल मुक्के पड़े हैं शादी पे, वो पढ़ते हैं ना, वो क्या होता है शादियों पे मुक्के पड़ते हैं, तो भाई को मुक्के पड़े हैं। भाई यार मैंने आपसे पूछा है कि आपको रात को मार पड़ी थी शादी पे, बहुत ज्यादा। किसने मारा था, कजनों ने या एवं फ्रेंडों ने मारा वगैरह, दोस्तों ने? यार ये जुल्म नहीं होता वैसे, बड़ा जाहिद भाई देखो यार रात को बड़ी मार पड़ी है शादी पे भाई, आज ना बड़े सुस्त, मतलब इतना कोई वो नहीं कर रहे हल्ला गुल्ला, देखे ना आप, देख सकते हो बड़े शरीफ बंदा बन गया रात का।
20 minutes later. नुमान भाई के साथ खेलना ये सुपंजू है चल रहा है पकड़ कैमरा कैमरा पकड़ ये दोनों भाई खेलने लगे भाई साहब इसका कबूतर इसका हार वो पहली बार में पड़ेगी इनको भाई साहब टिश्यू ले लो नहीं तो पता है होली होली जी जी मर्जी तेरी मर्जी तो बंदा ही हसरा रोना नहीं भाई साहब रोना नहीं टिश्यू दो इसको लगी 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 नहीं नहीं क्या चूहा ये लगी इधर लगी हाथ में यार जोर नहीं बोल जोर नहीं बोल जोर नहीं बोल भाई हाथ लगी है लगी है ये देखो भाई ये देखो इसके काम इसके काम में पड़ेगी बजनी फिर भी इधर ही हूँ राइट साइड उधर साइड दे लेफ्ट ऊपर मैंने आपको जल्दी जल्दी नहीं 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 मैं जल्दी जल्दी आपको मजा तो फिर नहीं पता चले एक ही भाई साहब भाई दवाई हो रही है हां जी बहुत ज्यादा हो रही है अंदर अंदर से ये रो रहा है ऊपर ऊपर से हंस रहा है बस नहीं 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 यार वहां भी मारा ओके तेल लगा के वाह कुछ भी 20 minutes later. तो हाँ जी फिर यार इससे चपेड़े चपूड़े खा के तो मैं आ गया था बाहर हाथ बड़ा दर्द कर रहा है बड़ी मारी है यार सालम बंदे तुम्हें मजा आया ना यार लेकिन मैं तो खैर चैलेंज कर रहा था मैंने तो वीडियो बनाने के लिए कुछ भी कर लेना है मैंने भी वीडियो में आने के लिए ऐसा किया ना बड़ा हरामी हो उधर से काफी ज्यादा बन गया और अब आ गए हमारे फाइनली हॉस्पिटल के सामने क्या हाल है ठीक हो किधर जा रहे हो हैं किधर जा रहे हो ये देखने आए थे अच्छा देख लो चेक करो फिर हैं ये जिधर जिधर फेंकना है ये भाई जो नीचे खड़ा ना इसने इसने उधर उधर इसे करी जाना है तो ये जो है ना ऐसे बनता जाना है सारा कुछ अरे इनका जो जूता है ना रबड़ का होता है ये देखें वो वाली मूवी में जी आज मैक्सिको चली उधर से जो जंगल में उन्होंने खरीदे थे ये वो वाला जूता है चेक करो इसलिए ये ऐसे बड़े हुए हैं अंदर ले के अभी सीधा गया अभी इन्होंने ये मार देना गुरमटियाँ चिपटी ये जो भी है और इसका लेवल कर देना ये देखें मतलब ये ऐसे मार के ना मतलब ये लेवल कर देना इन्होंने सारा जैसे ये पीछे से बनी हुई है सारी हाँ जी फिर तो मैं आ गया था यार सीधा मतलब उधर से वीडियो वगैरह शूट करके वायर से अभी भी वायर लगे हुए मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैं आ गया था लैब ना आज फ्री नहीं थी उधर कुछ पेशेंट्स वगैरह आए हुए थे तो मैं भी आ गया था वार्ड में ये देखो बेड लगे हुए हैं पेशेंट्स के तो कुछ वार्ड में भी उधर पेशेंट है बट मैं जो ना इधर एक वार्ड फ्री थी तो मुझे यार आउटरो भी करना था वीडियो का काफ़ी टाइम हो गया हुआ है तो मैं ना आ गया था फ़ौरन इधर है तो यार अभी ना एक सीन ऐसा हुआ है आज मेरे साथ अभी कि ना मेरे दो दोस्त थे बड़े करीबी थे तो मुझे नहीं था पता ना कि वो ऐसे ना मतलब नशा करते हैं नशे ही हो गए हुए हैं कब से ये नहीं था मुझे पता है तो आज ना मैंने उन दोनों को ना रंगिया तो पकड़ लिया ऐसे अचानक मैं ना कैमरा क्योंकि आजकल यार मेरी आदत बन गई है फितरत बन गई है मैं सारे मुझे पागल बोलते हैं तो इस वजह से आपको बोल रहा हूँ कि यार सब्सक्राइब कर दो आप इज्जत रख लो यार आपके लिए मैं करता हूँ तो कुछ हुआ ऐसा कि ना मैं गया उधर ऐसे ही कैमरा पकड़ा हुआ था रोड का ना बाहर से व्यू ले रहा था मैं तो वो अचानक से ना इधर ही आए हुए थे मैंने कहा यार चलो मैं ना उनसे जाके मिलता हूँ तो आगे चले गए आगे एक जिम थी तो दूसरा दोस्त बोलने लगा कि यार ये जिम गए होंगे चलो हम चलते हैं पीछे इनके ना कोई थोड़ा वीडियो बना लेंगे इनकी कोई सेट सूट लगाते हुए हैं कोई जिम शिम करते हुए तो मैंने बोला कि चलो कोई नहीं चलते हैं हम जैसे थोड़ा सा आगे गए
उन्होंने पता क्या किया, दोनों ने भाई सिगरेट लगाए हुए हैं, एक तो थोड़ा सा पीछे जाके छुपा हुआ था, लेकिन एक जो था ना जो पहले भी पीता था सरेआम, उसको मैं पहले भी पास कर चुका हूँ, वो ऐसे पी रहा था, उसने मुझे दिखा भी दिया, उसने मुझे दिखा दिया, लेकिन दूसरा जो था ना उसने फेंक दिया था साइड पे। तो मैंने खैर उन्हें पकड़ लिया, मैंने ढूंढ लिया था वो सिगरेट की तरह, लेकिन वो अभी भी मार रहा था दबा। बाद में मैंने उसे मारना, मैंने उसे कॉल की, मैंने बोला कि भाई मैंने वीडियो कर दी नहीं तेरी वायरल, बाद में ना कहीं मुझे तेरे पापा से डांट पड़ी या क्या या जो भी। एक जो था ना दोस्त, मैंने वायरल इसलिए नहीं किया, मैंने उसके साथ ना प्रॉमिस कर लिया, मैंने कहा यार तेरे साथ वादा है, लास्ट वाला लास्ट वार्निंग है तुझे, अगर तू बाज आ गया, अगर तू बाज आ गया तो मैं भाई मैं तेरी मेहरबानी कहूँगा यार, अच्छी बात है तू मुड़ गया, बाज आ गया, अभी तेरी उम्र है पढ़ने वाली, पढ़ ले, कोई 14-15 साल उम्र मेरे ख्याल से आई गेस होगी, आई होप के उसकी कुछ हाँ इतनी होनी है उम्र। तो ना उसने कहा ठीक है भाई मैं नेक्स्ट नहीं करूँगा ऐसा, तो लेकिन ये कि मुझे तुम भी ब्लैकमेल ना करते रहना ऐसे कि यार तूने तू ये करता रहा, मतलब वो ऐसे है ये इस टाइप का लड़का कि वो दूसरों का मजाक करता रहता है। तो खैर मतलब मैंने ना वीडियो कर लिया सेव अभी ड्राइव में है, तो वीडियो में मैंने वो कर लिया सेव, मेरे पास ही पड़ी हुई है, मैंने छुपा दी है। तो ना अभी जैसे वो बाज ना आया नेक्स्ट अगर मैंने देख लिया या मुझे पता चला तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, मैंने कैसे छापा मारा था यार, वो उसकी तरह वो है ना एक यार, खैर छोड़ो यार भाई, वो करता है ऐसे फाश करता है राज। तो ओके फिर यार मिलते हैं इंशाल्लाह, नहीं नहीं आप जाते जाते मैं आपको दिखा दूँ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई आए आए ये सामने खड़ी है, पहले ये देखो है, ये खड़ी है अपनी गाड़ी है। तो ये देखो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि भाई आ गए हैं हॉस्पिटल के सामने फाइनली, ये चेक करो इंशाल्लाह बन जाएगा सुबह तक ये सारा है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह नेक्स्ट व्लॉग में, ओ काफिर।